प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा नया टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम कह सकते हैं अन्य नाम से प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हो। अर्थात हम बात करेंगे आज विशिष्ट प्रतिरोध टॉपिक के ऊपर। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो लिखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये हमने इसकी हेडिंग डाली है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध में या विशिष्ट प्रतिरोध एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, बस उस प्रतिरोध में कुछ स्पेशल कंडीशन रख दी गई है, इसलिए इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम यहाँ इसमें लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर लंबे एवं 1 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। लिखा है हमने 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर ये मीटर में भी इस यूनिट को ले सकते हैं, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो यूनिट हमने ली सेंटीमीटर में, इसको मीटर में भी ले सकते हैं। तो हम इस परिभाषा को चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक चालक है और इस चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तथा इस चालक का क्षेत्रफल जो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या माना हमने कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर लिया हमने, और इस चालक जो तार जो है, ये तार का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर वर्ग है। अब इस चालक में जो धारा बहेगी, ठीक है, इस चालक में जो भी धारा बहेगी, उस धारा में या उस धारा के मार्ग में जो भी बाधा आएगी या उस धारा के मार्ग में जो भी रुकावट आएगी, उस रुकावट को ही या उस बाधा को ही हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या देखा हमने यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार है तथा इसी तार का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस तार के अंदर से हम धारा प्रवाहित करें और इस तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो कोई भी रुकावट उत्पन्न होती है या कोई भी बाधा आती है, उस बाधा को ही हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। आगे लिखा है हमने, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम विशिष्ट प्रतिरोध को रो चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने कि पिछले क्लास में पढ़ा था प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें हमने देखा था कि R समानुपाती होता है L के, और एक और चीज़ देखा था हमने कि R व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A के, ठीक है। यहाँ इसका मतलब हो रहा कि उसकी लंबाई जो है तार की वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, और तार का जो क्षेत्रफल होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इन दोनों को एक साथ लिख देते हो, ये बनेगा R प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब यहाँ जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नीतांक आ जाएगा रो, और ये बन जाएगा R इक्वल रो इंटू L बाय A, जहाँ रो एक नीतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात रो जो है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम
मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक की ओर। आज का हमारा नया टॉपिक है विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हो, अर्थात हम बात करेंगे आज, दूसरा हमारा टॉपिक है आज का विशिष्ट चालकता। तो देखिए, विशिष्ट चालकता होती क्या है कि किसी पदार्थ के जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जस्ट हमने अभी पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध, तो उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। यानी कि कोई पदार्थ है, उसका जितना विशिष्ट प्रतिरोध होगा, यदि हम उस विशिष्ट प्रतिरोध को अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, तो वो बन जाती है हमारी विशिष्ट चालकता। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो देखिए, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि हमारे पास कोई पदार्थ है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना अधिक होगा, उसको हम व्युत्क्रम कर दें, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा उसकी विशिष्ट चालकता उस पदार्थ की, और इसे हम दर्शाते हैं सिग्मा से। तो हमने लिखा है इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विशिष्ट चालकता को हम, ठीक है, विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल 1/ विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ जैसे हमने समझ चुके हैं कि विशिष्ट चालकता जो होती है वो एक के या उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है विशिष्ट प्रतिरोध की। तो हम यहाँ विशिष्ट चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और 1/ विशिष्ट प्रतिरोध को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। यदि इसका रो का मल्टीप्लाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई यदि सिग्मा से कर दे, तो तब देखिए सिग्मा इंटू रो बराबर 1 हो जाएगा, और यही होता है विशिष्ट चालकता। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आप इसे रीड आउट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।